मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी कविता पढ़ेंगे तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई सहजा दी हो, परी लोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ ले जाते हैं। हम लोग तितली से पूछ रहे हैं, तितली रानी आप इतने सुंदर सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, आप कोई सहजादी हो क्या। सहजादी लोग बहुत सुंदर होती है, जैसे तितलियाँ सुंदर होती है ना, वैसे सहजादी भी सुंदर होती है। तो हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम कोई सहजादी हो, परी लोक से आई हो। सबको मम्मा परी की कहानी तो सुनाती होगी, तो परी लोक से आई हो। हम लोग उनसे पूछ रहे हैं तितली रानी से, फूल तुम्हें अच्छे लगते हैं, फूल तो हमें भी भाते हैं, आप लोगों को भी फूल अच्छे लगते हैं ना। तो हम लोग उनसे बोल रहे हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ के ले जाते हैं। फूल कभी तोड़ना नहीं चाहिए ना, फूल को पेड़ में रहना चाहिए। अगर हम लोग फूल तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दर्द होता है और फूल को भी दर्द होता है। हम लोग गिरते हैं तो हम लोग को चोट लगती है ना, वैसे ही जब हम लोग फूल पेड़ में से फूल तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दर्द होता है। तो हम लोगों को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग कविता रिपीट करते हैं और आप लोगों को ये कविता याद करके रखनी है। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम कोई सहजादी हो, परीलोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तो ले जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कोई नई कविता पढ़ेंगे और उसका मीनिंग सीखेंगे। अब आप ये कविता याद करके रखना, मैम जब ऑनलाइन क्लास लेंगी तो आपसे ये कविता सुनेंगी। तब तक के लिए बच्चों।